तो अगर हम देखें भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसके रिक्रूटमेंट हो गया, फॉलोअप भी चल रहा है और काफी तेजी से काम चला है, तो सब लोगों की उम्मीद यही है कि सितंबर तक उसकी वैक्सीनेशन, भारत बायोटेक का अप्रूवल आ जाना चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल। जाइडस कैडिला की स्टडी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई भी किया है और उन्होंने बच्चों में भी वैक्सीन दिया है, तो इसलिए वो वैक्सीन भी बच्चों में अप्रूव हो जाना चाहिए। फाइजर का वैक्सीन ऑलरेडी यूएस एफडीए अप्रूव्ड है बच्चों के लिए, इसलिए मेरा मानना है कि सितंबर तक वैक्सीन जो है हमारे देश में बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। और जैसे हम 18 से 45 साल के लोगों में वैक्सीन लगा रहे हैं, इसी तरह से हम बच्चों में भी लगा पाएंगे और इस तरह से उनको प्रोटेक्शन और मिल पाएगा। पेरेंट्स में भी और अथॉरिटीज में भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा कि अब बच्चे सेफ हैं और इससे हम कोविड से निकलने में हमें और ज़्यादा मदद मिलेगी। सर, बच्चों के स्कूल को लेकर लगभग 1.5 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, बच्चे अभी तक स्कूल नहीं गए और कई ऐसे बच्चे हैं जो पहली क्लास में भी नहीं गए, यानी कि जिनका स्कूल शुरू होता है वो भी नहीं हो पाया है। तो ऐसे में क्या लगता है जो स्थिति बनी हुई है कि स्कूल्स खोले जा सकते हैं? मेरा ये मानना है कि हम स्कूल खोल सकते हैं उन क्षेत्रों में जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है, जहाँ केसेस बहुत कम है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कई बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाए हैं। मैं एक एक परिवार को जानता हूँ जहाँ उन्होंने कहा कि उनका बच्चा जो अभी स्कूल गया नहीं है और वो यही सोचता है कि सुबह यूनिफॉर्म डाल के अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठ जाओ तो यही स्कूल है। तो बच्चों को जो सोशल इंटरेक्शन है और बच्चों से आपस में घुल मिल के जो सोशल बॉन्डिंग होती है और जो और चीजें हैं, करेक्टर बिल्डिंग होती हैं, जो फिजिकल स्कूल में हो सकती हैं, वर्चुअल में नहीं हो पाती, वो बहुत जरूरी है। और इसलिए मेरा मानना है कि हमें स्कूल ग्रेडेड मैनर में खोलने चाहिए। साथ साथ सर्वेलेंस करने की जरूरत है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाने की जरूरत है। स्कूल में हमारे देश में स्कूल में रश क्राउड ज्यादा रहता है, तो हम ग्रेडेड मैनर में जैसे आधा स्कूल एक दिन खोला, दूसरा आधा स्कूल दूसरे दिन खोला, जिससे भीड़ कम हो और लोग दूर दूर बैठ सकें, उस टाइप का एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन स्कूल हमें आस्ता आस्ता खोलने चाहिए, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो इंटरनेट सैवी नहीं है, इंटरनेट का उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, तो वो एक्चुअली स्कूलिंग उनकी बिल्कुल ही रुक गई है। तो वो जो मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन है उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसलिए फिजिकल स्कूल जो है वो बहुत जरूरी है।